सर एक साइड कृष्ण है जो कहते हैं कि ना कोई मार सकता ना कोई मर सकता है, जो कुरुक्षेत्र में कहने मार उठा धनुष और मार। ये नहीं है, गड़बड़ हो गई है, थोड़ा समय यहीं पे रोक देता हूँ। जो कोई है वो तो मारेगा भी और मरेगा भी। कृष्ण कह रहे हैं उसे जानो जो न मार सकता है न मर सकता है। यहाँ चूक हो जाएगी अगर हम कहेंगे कि ना कोई मार सकता है ना मर सकता है। जो कोई है, कोई मतलब विशिष्ट व्यक्ति, कोई मतलब हम और आप, हम तो मरेंगे भी और हम तो मारेंगे भी। ये चूक हो जाती है जब हम कहते हैं कि गीता में कहा जा रहा है कि तुम नहीं मरोगे। हमने जैसा अपने आप को जाना है, हम तो मरण धर्मा है, जाएंगे, है ना। आगे और दूसरी साइड महावीर है जो कह रहे हैं कि एक छोटे से चीटे को भी मारना पाप है। दोनों बातें बिल्कुल एक साथ है, हम दोनों को ही भगवान मानते हैं। असल में दोनों ही मरने मारने की बात कर ही नहीं रहे। हम फंस जाते हैं इस बात में कि मारें कि ना मारें। कृष्ण को देखते हैं कहते हैं मारो, महावीर को देखते हैं लगता है ना मारो। मारना वगैरह अकेंद्रीय बात है, बड़ी परिधि की बात है, गौण बात है। कृष्ण कह रहे हैं तुम करता नहीं हो, जो करता है उसे करने दो, अब वो मारे भी तो तुम विरोध मत करना। महावीर भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारी हिंसा तुम्हारे द्वारा होती है और जो कुछ तुम्हारे द्वारा होगा वो हिंसा होगा, तुम मत करो। तुम करोगे तो ये हो ही नहीं सकता कि तुम मारो ना। तुम करोगे तो चींटी चिड़िया पूरे अस्तित्व के लिए तुम खतरा ही बनोगे। दोनों मूलतः यही कह रहे हैं कि समर्पित हो जाओ। और आध्यात्मिकता इसके अलावा और है क्या? समर्पण। कृष्ण का पूरा संदेश अकर्तृत्व का है और महावीर भी यही कह रहे हैं अहिंसा। हिंसा माने क्या? जहां कहीं तुमने दूसरे को कष्ट दिया वो हिंसा, ठीक। और यदि दूसरे को दूसरा घोषित किया, इसमें ही दूसरे के लिए कष्ट है, इसका अर्थ दूसरे को दूसरा कहना ही हिंसा। तुमने जहां ये कहा कि मैं हूं और तू है, हिंसा की शुरुआत। महावीर यदि कहते हैं अहिंसा तो इसका अर्थ है कि दूसरे को तुम दूसरा जान नहीं सकते, इसका अर्थ है कि सिर्फ तुम हो। और यदि सिर्फ तुम हो तो तुम असीमित हो, तो फिर तुम तो वो हो गए। अहिंसा का अर्थ ही है अपने आप को ब्रह्म रूप आत्म रूप जानना। जिसने अपने आप को शरीरी जीव जाना उसे हिंसा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम यदि शरीर हो तो शरीर के भरण पोषण के लिए फिर तुम्हें दूसरे शरीरों से प्रतियोगिता भी करनी पड़ेगी, उनका नाश भी करना पड़ सकता है। और शरीर ही है जो तुमसे दूसरे जीवों से प्रतिस्पर्धा करवाता है, हिंसा करवाता है। जब महावीर कहते हैं कि चींटी को दुख देने के प्रति भी सतर्क रहो, तो वो कह रहे हैं कि अपने शरीर को इतना महत्व भी न दो कि उसके लिए चींटी भी अलग हो जाए, या कि चींटी भी डिस्पेंसिबल हो जाए। एक व्यक्ति होता है जो अपने शरीर को इतना महत्व देता है, कहता है मुझे किडनी की जरूरत है। अब यदि सामने वाले को मार के भी उसकी किडनी मिलती हो तो मुझे चाहिए। ये व्यक्ति घोर रूप से शरीर भाव में जी रहा है ना, ये हिंसा हुई। शरीर भाव में जीना, अपने को और दूसरों को, अपने और संसार को पृथक देखना, यही हिंसा है। फिर उससे नीचे का एक व्यक्ति होता है, वो कहता है ठीक है मैंने सामने मारे को मार करके उसी किडनी नहीं निकाली, पर मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि एक बकरा काट दूं। मेरा शरीर है, उसके पोषण के लिए यदि मुझे बकरे, अभी अभी ये जो तमाम बहस चल रही है कि जानवरों को मारें ना मारें क्या करें, इसमें एक बड़ा मुद्दा ये रहता है कि देखो जानवरों से प्रोटीन मिलता है। अभी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है।
मेरा शरीर इतना जरूरी है कि उसको प्रोटीन देने के लिए किसी का कत्ल करना जायज हुआ। आप जब भी अपने आप को शरीर रूप में देखेंगे और बहुत महत्व देंगे अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को, तो निश्चित रूप से शेष समग्र अस्तित्व के प्रति आप विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसी विरोध का नाम हिंसा है। फिर एक व्यक्ति आता है महावीर मन का, वो कहता है इसको इतना भी महत्व नहीं देता कि इसकी खातिर एक चींटी भी मरे। बिल्कुल महत्व की बात यह नहीं है कि उन्होंने चींटी के प्रति क्या सोचा, महत्व की बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं इसको महत्व नहीं देता। समझिएगा बात को, चींटी को आप क्यों मारते हो? क्योंकि आपको मौज आती है ना, आपका स्वार्थ पूरा होता है ना। तुम किसी को भी दुख क्यों देते हो? इस शरीर की खातिर ही तो देते हो। मुर्गा क्यों मारा? क्यों मारा? चिड़िया को गोली क्यों मारी? मन की खातिर, मजे लेने के लिए। मुर्गा क्यों काटा? शरीर की खातिर। वो हिंसा बाद में हुई, पहले क्या हुआ? पहले ये हुआ कि मैं, तो जब महावीर कहते हैं कि दूसरे के प्रति हिंसक मत रहो, तो वो मूलतः ये कह रहे हैं कि अपने इस मैं को जरा, मैं जहां उठेगा वहां तुम दूसरों का शोषण करोगे ही। मैं का उठना और दूसरों का विरोध, दूसरों को क्लेश देना, वो नहीं होना है। असल में मैं जितना उठेगा तुम्हें दूसरे उतने ज्यादा दूसरे लगेंगे, दूसरे माने पराए, और जो पराया है उसे कष्ट देने में तुम्हें अफसोस क्यों होगा? चींटी को भी कष्ट नहीं देना है, इसका मतलब मेरी बिसात चींटी जितनी भी नहीं। अब अहंकार उन्होंने चींटी से भी छोटा कर दिया। समझ रहे हो बात को? अपनी खातिर चींटी को भी कष्ट नहीं देना, तो मैं कितना बड़ा हुआ? चींटी से भी छोटा। चींटी का महत्व ज्यादा है, उसे दुख ना होने पाए। और ये जो मैं है जिसे चींटी से भी छोटा किया जा रहा है, ये कौन सा मैं है? ये वो मैं है जो अपने आप को मन जानता है, शरीर जानता है, संसार से पृथक जानता है। ये यदि छोटा हुआ तो तुम आत्मनिष्ठ हुए। शरीर भाव जितना दुर्बल होता जाएगा, आत्म भाव उतना सबल होता जाएगा। बात समझ रहे हो? शरीर भाव जितना कम होता जाएगा, आत्म भाव उतना प्रगाढ़ होता जाएगा। तो महावीर का ये कहना कि एक पत्ते को भी कष्ट न दो, घास पर भी व्यर्थ पांव न रखो, ये तुम्हारे अहंकार को नियंत्रित रखता है। नहीं तो बड़ा आसान है। अहंकार पहला काम यही कहता है कि मैं इस विश्व के केंद्र में हूं, और मेरी सहूलियत की खातिर, मेरे स्वार्थ की खातिर किसी को भी कष्ट देना जायज है, क्योंकि मैं कौन? मैं राजा, मैं स्वामी, मैं केंद्रीय, मैं प्रमुख। हमारे हित के लिए यदि पूरी दुनिया की बलि चढ़ानी पड़े, चढ़ा दो। एक छोटा सा प्रयोग करके देख लीजिए। 100 लोगों के पास जाइए, उनसे कहिए तुम्हारी जान ले लें, या इधर उधर दुनिया के तमाम देशों में करीब 300-400 लोग हैं, उन्हें मार दें। देखिएगा जवाब क्या आता है। अगर ईमानदार जवाब है तो आपको पता है कि क्या आएगा। लोग कहेंगे ठीक, जिनको मारते हो मार दो, हमें छोड़ दो। कोई बिरला ही मिलेगा जो कहे कि अच्छा ठीक है, हमें मार लो, उनको छोड़ दो। यही अहंकार की आदत, कुछ और मायने नहीं रखता मुझसे ज्यादा, कुछ और कीमती नहीं मुझसे ज्यादा। मेरी तबीयत खराब है, वो जरा वो गिरगिट उबालना, लेके आना, थोड़ा कमजोर अनुभव कर रहे हैं, हमें पता चला है गिरगिट पीने से। अब आपको सरदर्द हुआ है, उसके लिए गिरगिट उबाला जा रहा है तेल में, चीन में, कोरिया में, ये सब बड़ा प्रचलित है। आप पा रहे हैं कि आप में जरा पुरुषत्व की कमी है, तो उसके लिए तमाम तरीके के जानवर इकट्ठे किए जाएंगे, उनका किसी का यकृत निकाला जा रहा है, किसी का दिल निकाला जा रहा है, किसी का भेजा निकाल के भूंजा जा रहा है, और आप खा रहे हैं, किससे आपके यौवन में, मर्दानगी में इजाफा हो जाएगा। अब आपके जरा से
शारीरिक सुख के लिए 50 जानवरों की बलि चढ़ाना जायज है। ये अहंकार, ये अहंकार। मेरे कमरे में जरा शोभा बढ़ेगी अगर हाथी के दांत बढ़िया से लगा दिए जाए। तुम्हारे कमरे की शोभा बढ़ाने के लिए एक हाथी का कत्ल करना जायज, ये अहंकार। इसी के खिलाफ खड़े हैं महावीर। अरे तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हारे कमरे की शोभा बढ़ाने के लिए हाथी मार दिया जाए। हम कहते हैं तुम इतने छोटे हो कि तुम्हारी खातिर एक चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। ये महावीर, बात समझ रहे हैं? दोनों जगह एक ही बात कही जा रही है, कृष्ण या महावीर, कि तुम मत बचो। अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अपने को छोड़ो, मेरी शरण आओ, तुम मत बचो। महावीर भी आपसे यही कह रहे हैं, तुम मत बचो। कहने के तरीकों पे मत जाया करिए, बात के मूल तक जाइए। बात का मूल सदा एक पाएंगे।